हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे। तो ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच है, इसकी चौड़ाई जो है 10 इंच है। शोल्डर की चौड़ाई 5.5 रखे हैं, आर्म होल की भी 5.5 ही है। 2.5 इंच की चौड़ाई देते हुए मैं गले की मार्किंग कर रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग 2.5-3 पे मार्क कर सकते हैं। और नीचे के साइड से मैं 3 इंच का रख रही हूँ, 2.5 इंच का ही रख रही हूँ। 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और दोनों मार्किंग को बराबर करते एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब गली की लेंथ लेंगे तो 10 इंच रख रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग लेंथ रखिएगा, यहाँ से मार्क कर देंगे। अब ये जो मार्किंग है इसको एक बार और लाइन ड्रॉ करके प्रेस करेंगे, दूसरे साइड से मार्क आ चुकी है, इसको लाइन पूरा ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ कॉर्नर से 1 इंच का मार्क करेंगे और इस साइड से बिल्कुल राउंड नेक में मार्किंग कर देंगे। तो एक साइड से देखिए मैंने राउंड नेक रखा है, एक साइड से स्क्वायर शेप में है। अब इस गले को सेम इसी तरीके से कटिंग करेंगे। देख रहे हैं वीडियो में कैसे कटिंग कर रही हूँ, ऐसे कर दीजिएगा। तो गला कट चुका है। अब इसके साथ में ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक लेंगे। तो अस्तर को पहले एक साइड रखिएगा फोल्ड करते हुए, ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक लेंगे और इसके भी गले की सेम कटिंग कर देंगे। तो इसका मैंने गले को बिल्कुल परफेक्ट कट कर दिया, दोनों को बराबर रखेंगे और गले के ऊपर सिलाई लगाते हुए गले की पहले स्टिचिंग करेंगे। मैंने ये देख लीजिए कम्प्लीटली गले की स्टिचिंग आपको करके दिखा दिया है। इस पर से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकालेंगे, फिर इस पर छोटा छोटा पूरे गले पे कट लगा लेंगे। इससे जब गले को पलट कर सीधा करेंगे तो डिज़ाइन बिल्कुल बराबर में आएगी। तो मैंने देखिए इसको पलट कर सीधा कर दिया। अब इसके ऊपर से सिलाई चलाते हुए यहाँ से हम इसको इसकी फिनिशिंग दे देंगे अच्छे से। देख रहे हैं वीडियो में कैसे फिनिशिंग कर रही हूँ इसकी, ऐसे कर लीजिएगा। तो फिनिशिंग की स्टिचिंग हो चुकी है, ब्लाउज़ की ऑलराउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर रखिएगा और साइड से पूरे इसके सिलाई लगा देते हैं। तो क्लियर आप देख रहे हैं मैं कैसे इसको स्टिच कर रही हूँ, ऐसे कर दीजिएगा। ठीक, कम्प्लीटली देखिए बन चुका है। अब इसके नीचे के साइड से टक्स को बनाना है, तो टक्स को देखिए माप लेते हुए फिर स्टिच करना है। तो क्लियर आप वीडियो में देख रहे हैं मैं कैसे टक्स को बना रही हूँ, ऐसे दोनों साइड से माप लेते हुए टक्स को स्टिच करना है। तो एक साइड से बन चुका है टक्स, दूसरे साइड से भी ऐसे बना देंगे। तो मैंने आपको टक्स को अच्छे तरीके से बनाना दिखा दिया, आपको क्लियर समझ में आया होगा। नीचे का बॉर्डर बनाने के लिए मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया, इसको नीचे के साइड से पूरा जॉइंट कर देंगे। देख लीजिए मैं कैसे जॉइंटिंग कर रही हूँ, बिल्कुल ब्लाउज के नीचे के साइड से इसको जॉइंट करना है स्टिच करते हुए। तो मैंने इसकी जॉइंटिंग कर दी। अब यहाँ से इसकी फिनिशिंग की स्टिचिंग कर लेंगे। अब जो ये पट्टी स्टिच किए हुए हैं इसको डबल फोल्ड करेंगे और पट्टी को ब्लाउज के साथ में जॉइंटिंग करते हुए पूरा फिक्स कर देंगे। ये नीचे का बॉर्डर में बना रही हूँ, तो नीचे का बॉर्डर में कैसे बना रही हूँ आपको क्लियर वीडियो में समझ में आएगा। तो मेरा नीचे का बॉर्डर देखिए बन चुका है। अब ब्लाउज़ के गले पे डिज़ाइन करना है, तो चलिए ब्लाउज को साइड रखते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए कुछ फैब्रिक मैंने स्क्वायर में ये कट किया है, इसकी लंबाई चौड़ाई 3 इंच रखी। इसको 4 पार्ट क्रॉसिंग में फोल्ड करेंगे, फिर साइड से 2 पार्ट्स में और फोल्ड कर देंगे। ऐसे फोल्ड करेंगे और नीचे के साइड से इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो डिज़ाइन जिस तरीके से मैं कुछ बना के दिखा रही हूँ और सारे डिज़ाइन सेम ऐसे ही बनाइएगा। तो मैंने आपको ये कुछ डिज़ाइन बना के दिखा दिए हैं, आपको और सारे डिज़ाइन सेम ऐसे बना लेना है। इनको कटिंग करके अलग अलग करेंगे और इसकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक और थ्रेड है उसको कट करके पूरा निकाल देंगे। अब ये मेरी डिज़ाइन कंप्लीट है, कुछ मैंने बना के दिखाया और सारे मैंने ये बना लिया है। अब इसको जो है साइड करके ब्लाउज़ लेंगे और ब्लाउज़ के गले पे इस डिज़ाइन को बराबर रखते हुए स्टिच करना है। तो देख लीजिए मैं कैसे इसको बराबर रख रही हूँ, ऐसे बराबर रखते हुए बिल्कुल गैप ही नहीं रख देना बीच में और पूरा स्टिच कर देंगे। तो मैंने ये देखिए डिज़ाइन को कम्प्लीटली एक साइड के गले पूरा ज्वाइंट कर दिया है। अब दूसरे साइड से बनाना है, उससे पहले इसको डेकोरेट करेंगे। तो लेस लिए हैं और लेस को गले के बिल्कुल बराबर में स्टिच करना है। तो क्लियर देख रहे हैं वीडियो में, ऐसे ही लेस को पूरा लगा दीजिएगा। तो लेस की मैंने अच्छे तरीके से लगा लिया है गले पर। अब ब्लाउज को जो है साइड रखेंगे और दूसरे साइड का डिज़ाइन बना के आपको दिखाएंगे। तो मैंने ये कुछ फैब्रिक और स्क्वायर में कट की, इसकी लंबाई चौड़ाई 3.5 इंच रखे हैं, 3.5 इंच। इसको 4 पार्ट क्रॉसिंग में फोल्ड करेंगे, फिर साइड से इसको भी एक एक फोल्डिंग कर देंगे।
तो आप देख रहे हैं मैं डिज़ाइन को कैसे बना रही हूँ, फोल्ड करती हूँ ऐसे ही पूरा डिज़ाइन बना लेंगे। तो मैं इसका भी ऐसे ही डिज़ाइन बनाऊंगी। तो कुछ ये देखिए डिज़ाइन मैंने बना के दिखाया और सारे डिज़ाइन सेम ऐसे ही बना लिए, इनको भी कटिंग करके अलग अलग करेंगे और इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक और थ्रेड है उसको कट करके पूरा निकाल देंगे। तो मैंने पूरा डिज़ाइन इसका बना लिया है। अब ये न्यूज़पेपर लिए हैं, न्यूज़पेपर को मैंने इसे नॉर्मली कट कर दिया है। ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग लेंथ ले लीजिएगा, थोड़ा सा छोटा ही रखना है लेंथ पूरा ब्लाउज के जितना लेंथ मत रखिएगा, 11 इंच लेंथ रखिएगा इसका। तो इसको देखिए मैंने बराबर रखते हुए स्टिच कर दिया है। अब दूसरे साइड से इसके बिल्कुल बराबर में स्टिचिंग करना है डिज़ाइन को, तो ऊपर नीचे ना हो डिज़ाइन। तो देखिए एक मैंने लेयर बना के इसको पूरा स्टिच किया डिज़ाइन को न्यूज़पेपर पे। अब इसके ऊपर से पट्टी लगाएंगे, तो ये पट्टी लिए इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे अंदर के साइड, फिर यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो देख रहे हैं मैं कैसे सिलाई लगा रही हूँ इसकी, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे उसे अंदर के साइड फोल्ड करेंगे, फिर इसके बाद इधर साइड से भी अंदर के साइड फैब्रिक को फोल्ड करते हुए पूरा स्टिच कर देंगे। तो मैंने देखिए पूरा पट्टी इसके ऊपर अच्छे से स्टिच कर लिया है। अब जो ये डिज़ाइन है इसको साइड रखेंगे, और मैंने देख लीजिए ये एक पट्टी कट की है, इस पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और इसकी मीडियम साइज़ की डोरी बनाएंगे। देख लीजिए मैं डोरी कैसे बना रही हूँ, तो डोरी बिल्कुल मीडियम साइज़ की होनी चाहिए, मोटी पतली मत कीजिएगा। ये डोरी बन चुकी, इसको पलट कर सीधा कर देंगे। तो मैं निडल की हेल्प लेते हुए देखिए पलट कर सीधा कर रही हूँ डोरी को, ऐसे भी आप पलट कर सीधा कर सकते हैं। तो मेरी डोरी देखिए सीधी हो चुकी है। डोरी को पहले साइड रख के और डिज़ाइन लेंगे, और डिज़ाइन के मिड से इसका चेन बनाएंगे डोरी से। तो देखिए वीडियो में क्लियर आपको समझ में आएगा मैं किसका ऐसे इसका चेन बना रही हूँ। इस तरीके से आपको क्रॉसिंग करते हो फिर चेन को बनाना है स्टिच करते हुए। तो इसके बिल्कुल मिड से आपको सिलाई लगानी है। तो आपको क्लियर वीडियो में समझ में आ रही होगी मैं कैसे इस पर सिलाई लगा रही हूँ। ये देख लीजिए पूरी चेन इस पर बन चुकी है। अब डोरी के दोनों साइड से यहाँ से फ्लावर बनाने के लिए दो फैब्रिक स्क्वायर में कट के यहाँ दोनों कॉर्नर से डोरी के फ्लावर बना लेते हैं। तो एक फ्लावर बन चुका है, इसको पलट कर सीधा करेंगे, ऐसे दूसरा भी बना देंगे। दोनों कॉर्नर मैंने ये फ्लावर बना दिए हैं, फिर इसका इस तरीके से रिबन मॉडल में डिज़ाइन बनाएंगे और यहाँ से बीच से इसके सिलाई लगा के इसको फिक्स कर देंगे। तो मैंने ये फिक्स कर दिया है। अब इसकी जो डिज़ाइन है इसमें जो न्यूज़पेपर यूज़ किए थे इसको न्यूज़पेपर को पूरा रिमूव कर देंगे। तो मैंने ये न्यूज़पेपर रिमूव कर दिया, ये जो डिज़ाइन मैंने बनाई इसको साइड करेंगे। और ब्लाउज़ ले लिए हैं, ब्लाउज़ की डेकोरेशन करने के लिए कुछ मोती गोल्डन कलर की लिए हैं बड़ी वाली, और ये जो डिज़ाइन बनाए हैं इसके मोती को देखिए मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ। इसी तरीके से जितने भी डिज़ाइन है सब पे मोती को लगा देंगे। तो कुछ पे मैं आप लग को ये मोती लगा के दिखा रही हूँ और सारे पे ऐसी मोती लगानी है। तो ये मोती कम्प्लीटली मैंने पूरा डेकोरेट कर दिया है। ब्लाउज़ का ये डिज़ाइन लेंगे और इसको देखिए जिस साइड से स्क्वायर में है गला उसी साइड से बराबर रखते हुए इसके मिड से सिलाई लगा रहे हैं जो चेन डिज़ाइन बनाए थे। तो मैंने ये सिलाई लगा के इसको फिक्स कर दिया है ब्लाउज के साथ में। अब जो डिज़ाइन है इसको भी डेकोरेट करेंगे मोती लगाते हुए। जैसे पूरा मैंने मोती लगा दिया और चेन वाले डिज़ाइन में भी मोती लगा लिया है। अब यहाँ से जो रिबन बनाया है रिबन के बिल्कुल मिड से एक सो बटन लगा देंगे। तो मेरी ब्लाउज डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, बनाने में भी इजी था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन साथ जो ऐसा ब्यूटीफुल और सिंपल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।